हे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब मैं व्लॉग नहीं करता, जब ट्रैवलिंग व्लॉग्स में नहीं बनाने जाता हूँ, तो मैं घर पे क्या करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू रिवील ऑल माय इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू व्लॉगिंग। यूजली मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक कारण है कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे पूछते हैं कि रणवीर भाई, आप मिनिमम जो इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ करते हो, कम से कम दाम वाले, वो क्या है। व्लॉगिंग अगर उन्हें भी स्टार्ट करना है तो वो मुझे पूछते थे, तो आज मैं रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। प्रोडक्ट्स विच आई यूज फॉर माई व्लॉगिंग, और अभी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को हम रिव्यू करेंगे और आप लोग भी जान जाएंगे कि मैं ब्लॉगिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहला बेसिक चीज़ जो होता है, जो हम ब्लॉगिंग सेटअप अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यूजुअली हर किसी के पास एक कैमरा तो होता ही है, जो है उनका सेलफोन। तो जो सेलफोन है, हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अपने ब्लॉग्स के लिए यूज़ करता हूँ ये फ़ोन आप देख रहे हैं, ज़ोलो का है, मिनिमम फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ। और दूसरा जो मैं शूट कर रहा हूँ, ओप्पो का फ़ोन है, जो आप जिस कैमरा से आप ये शूट देख रहे हैं। उसके बाद आता है, सबसे फर्स्ट आइटम आता है, ये जो है ये मिनी ट्राइपॉड है, जो मैंने इसका रिव्यू मैंने पहले डाल दिया है। इसमें यूजुअली हम जो होता है कैमरे को, जो ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसे ऐसे यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, ऐसे अटैच करके ऐसे किस्म के हम जो है ब्लॉग हम लोग इसमें से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको एक मिनी ट्राइपॉड लगेगा। और अगर आप एकदम बिगनर हैं और आपके पास घर में कोई सेल्फी स्टिक वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे टाइप की जो सेल्फी स्टिक जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। तो ये है एक सेल्फी स्टिक जो मैं यूज़ करता हूँ। और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि उसके बाद जो आता है लाइट सेटअप। यूजली कोई कोई व्लॉग हम रात को शूट करते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक लाइट्स हमें यूज़ हम करते हैं। तो ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये जो लाइट्स है, ये सब अमेजोन में अवेलेबल है। आप ये भी खरीद सकते हो, आप कैमरा के ऊपर स्विच कर देंगे, आपको सिर्फ इसे लेना है और लेकर इसे जो है ऐसे प्रेस कर देना है, ये आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिनी ट्राइपॉड। ये सब तो बाद में सेटअप है, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे चीज़ें आप खरीदोगे। मैंने एक ये एक ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा है, ये आप देख लीजिए। ये जो ट्राइपॉड है, इसे मैंने ख़रीदा है लॉन्ग शॉट्स लेने के लिए। जब दूर से मुझे वाइड एंगल शॉट्स लेना होता है, तब मैं ये मैं यूज़ करता हूँ। तो सम केसेस में कभी कभी ग्लाइड कैम का जो शॉट्स होता है, मैं वो भी जो है इससे मैं यूज़ करता हूँ। इसके लिए काफ़ी काफ़ी मंद है ये, इसका एडजस्टेबल भी होता है। इसका भी वीडियो जो है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो जो है मैंने डाल दिया है, तो आप एंड स्क्रीन में जाके आप चेक कर सकते हो। बाद में ये कुछ बेसिक लाइट्स है जो मैंने चाइनीज़ लाइट्स है जो मैंने घर पे इसे बनाया है। ये जो है ये माउंट जो आप देख रहे हो, इसे मैंने एमसील से चिपकाया है। ये टीवी का जो कनेक्टर होता है वो है, ये आप देख लीजिए। ये बेसिक सा एक लाइट है, यहाँ पर इसका पुश बटन है, ये भी टॉर्च का भी काम करता है, प्लस ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद छोटे मोटे सामान हैं, जैसे कि ये है सनग्लास, जो सनग्लास मैं यूज़ करता हूँ। और सेटअप में आप जब आप देखोगे तो ये देख लीजिए ज़रा। उसके अलावा मेरे पास एक जियो का वाईफाई है, जिससे मैं अपने वीडियोस को अपलोड करता हूँ। और एक छोटा सा पावर बैंक है बैकअप के लिए, जब भी आपका बैटरी, जो कैमरे का बैटरी है वो अगर ड्राई होता है, तो बैटरी से आप इससे बैकअप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कुछ वाइड एंगल शॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, तो यूजली ब्लॉगिंग में जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, उन्हें वाइड एंगल शॉट्स, जो बैकग्राउंड पीछे जो सबसे ज़्यादा दिखे वो शॉट्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो उसके लिए मैं कुछ लेंस यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये कुछ लेंस है जो मैं अपने कैमरा के जो लेंस के सामने मैं इसे लगा देता हूँ, ये आप देख लीजिए।
ये जो है वाइड एंगल लेंस है, ये देखिए ये वाइड एंगल लेंस है, इससे आपका जो एंगल होता है शॉट का वो काफ़ी बड़ा आता है, बैकग्राउंड जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। उसके साथ ही ये कुछ अनदर लेंस है, ये फिश आई लेंस है, ये आप देखिए ये फिश आई लेंस है, जो व्यू जो है वो फिश आई की तरह आता है, काफ़ी वाइड एंगल में सर्कल होके आता है। ये है, ये एक माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हम छोटे छोटे के डिटेल में अगर करना होता है तो इससे हम ये लेते हैं, ये वो वाले के लिए यूज होता है। इसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे चीज़ है, लेपल माइक काफ़ी यूज़ होता है। फिलहाल तो लेपल माइक जो ये मैंने लगाए रखा है, ये है लेपल माइक। तो यूजुअली अगर आप वीडियो शॉट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक लेपल माइक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम कभी कभी एट टाइम्स आपका फ़ोन कैच नहीं करता है, तो उस टाइम पर वॉल्यूम के लिए हमें लेपल माइक लगाना ज़रूरी होता है। आप लेपल माइक लगा कर ही जो वॉल्यूम है आपकी वीडियो पर आप ला सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ हैं जो हम इफ्स एंड बट्स में हम रखते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि मैं नाइट अगर करता हूँ तो मैं एक टॉर्च जो है मैं वो रखता हूँ अपने पास, प्लस मेकअप के लिए या कुछ अगर हमें फेस वगैरह देखना है तो एक मिरर में रखता हूँ, प्लस साथ में मेरे कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे डायरीज हैं जिस पर मैं अपना स्क्रिप्ट लिखना, जो हम स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखना, प्लस रूटीन जो है अपलोड्स वगैरह जैसे करना है हम वो करते हैं। ओवरऑल ये आप जो भी देख रहे हैं ये एक सेटअप है जो एक व्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले आपको लगेगा एक बेहतरीन फ़ोन, उसके बाद आपको लगेगा जो ये वाला है ट्राइपॉड, एक लेपल माइक जो आपका वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद आपको कुछ लाइट्स लगेंगे जो आपके नाइट व्लॉग्स में या लाइटिंग इफेक्ट्स जो आपका अच्छा है उसके लिए आपको वो लगेगा, और उसके अलावा मेरा सजेशन है कि आप लेंस लीजिए, वाइड एंगल लेंस में काफ़ी इफेक्टिव पिक्चर्स आते हैं। मेरे अपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर मैंने कई सारे शॉट्स को मैंने मिमिक किया है जो आप देख सकते हो। तो गाइज ओवरऑल यही है, जो भी सेटअप है आप लोग जो देख रहे हो ये यही सेटअप है। तो देखिए आप अगर ये प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और आपको भी बेहतरीन सामान मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सामान आप देख रहे हैं ये काफ़ी रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छा है, इनके रिव्यूज़ जो है बहुत ही कम है, बट ट्रस्ट मी गाइस मैंने जब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मुझे काफ़ी एडहेसिव लगा है, मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है आप जब भी ब्लॉग करते हो आपके इक्विपमेंट्स कैरी करने के लिए, ये होता है कैरी बैग। ये बैग में हम सारा इक्विपमेंट्स जो है अपना कैरी करते हैं, इसमें हम सब रखते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट जब भी आप ब्लॉग करते हो तो एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो कि होता है गला, क्योंकि यूजुअली जब आप बात कर रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो अल्टीमेटली गला सूखता है। तो मैं यूजुअली हमेशा मैं कैरी करता हूँ ये वाटर बॉटल, इसमें हमेशा मैं पानी लेके या ग्लूकोज का जो पानी रहेगा मैं उसमें कैरी करता हूँ, और जब भी ट्रैवल करता हूँ जब भी अपने व्लॉग्स बनाता हूँ तो इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा पानी में पीते रहता हूँ ताकि मेरा गला जो है वो गीला रहे, प्लस जो वॉइस है वो क्रैक ना हो। तो गाइज़ ये सभी सेटअप टूर है जो आपने देखा है, और ये सब चीज़ बेसिक जो इक्विपमेंट्स है ये ही लेके मैं अपना व्लॉग्स बनाता हूँ। और यूजुअली लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि मेरे वीडियोस कभी कभी कुछ शेकी होते हैं, कभी कभी वाइब्रेट होता है, तो गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सेकेंड थिंग, मैं हाई एंड इक्विपमेंट जो है वो फिलहाल तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, गिम्बल हो गए हैं, बहुत सारे चीज़ें जो शेक वीडियोज़ नहीं करते हैं, तो फिलहाल तो अभी गिम्बल का जो कॉस्ट वो तो 18, 20, 15 ऐसा होता है, तो फिलहाल तो अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इन फ्यूचर में होगा तो ज़रूर लेंगे। बट इनिशियल स्टेजेस में ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ एकदम बेस्ट है अगर आप व्लॉगिंग सेटअप करना चाहते हो और आप एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गाइज़ यही जो चीज़ है जो मुझे आपको दिखाना था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर डालिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मैं भी काफ़ी मोटिवेट होऊंगा और अच्छी तरह से वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही है, आगे देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है। गाइस ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जब जो हम अपलोड करते रहते हैं और इसकी स्टोरीज में इंस्टाग्राम में डालता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और जो भी प्रोडक्ट आज आप देख रहे हैं, जो आपने देखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेस करने के लिए, तो जो उसका बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बिलो में, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर जाके जाइए और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर आप उसे ख़रीद सकते हो, आप एक बार चेक कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और जो भी हमारे चैनल में नए हैं आज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल का एक निशान है, घंटे का निशान, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो सीखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कहाँ से वो चीप इक्विपमेंट जो है वो व्लॉगिंग सेटअप के लिए यूज़ कर सके, तो ये इस वीडियो से काफ़ी उनको हेल्प होगी। तो ठीक है गाइस, सो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर।